हर हर महादेव। एक सर्वोपयोगी प्रश्न है, देखें कोरिया छत्तीसगढ़ से विकास अग्रवाल जी हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी चरण स्पर्श गुरुदेव, गुरु दीक्षा लेने का सही समय उम्र क्या है, हमें कितने और किससे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा लेने के पूर्व और पश्चात किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया गुरु दीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। हर हर शंकर, जय जय शंकर। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत ढंग से आपने पूछा हुआ है और सर्वोपयोगी प्रश्न है। जो ये दीक्षा की जो बात चल रही है, जो गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा क्या होती है और आजकल लोग गुरु दीक्षा क्या कहते हैं, किसको मानते हैं, और इस पर बड़ा बहुत अंतर है। पहली बात, लिखा हुआ है तंत्र ग्रंथों में कि युगे युगे दीक्षा स्यात् उपदेशः तु कलयुगे। अन्य युगों में दीक्षा का विशेष विधान है भी, लेकिन कलयुग में तो उपदेश ही है, दीक्षा है ही। आजकल लोग, गुरु लोग और लोग ने, खास रूप से गुरु लोग, दीक्षा के नाम पर लोगों को बुला करके कान में अपनी संप्रदाय विशेष का या कोई विशेष कोई मंत्र कह देना और लोगों से कह देना, ठीक है अब आप इसका थोड़ा बहुत जप करिए और हम गुरु और आप चेला, सब संपत्ति ला करके हमको दीजिए, गुरु पूर्णमासी पे आइए, ये करिए वो करिए, और लोग गुरु जी हैं, अब हमारे गुरु जी ने ये कह दिया, ये चीज बस नहीं खाना है, केला एक महीने तक नहीं खाना है, फिर उनको दे आओ और फिर खूब खा, यही नियम है। हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, कोई नियम नहीं बतलाते हैं, और गुरुओं को भी पता है कि ऐसे ऐसे चेलाओं को फंसाओ, जिस तरीके से राजनेता लोग अपने अपने पार्टी का प्रचार करके और उसके सदस्य बनाते हैं, इसी तरीके से इन गुरुओं का काम हो गया है। गुरु क्या है, वो तो धंधेगीर ठग कहिएगा, और अपने अपने ये सब व्यवसाय के लिए लोगों को बना रहे हैं, और वे लोग अपने गुरु गुरु करके उन्हीं से कथा करवानी है, उन्हीं का प्रचार प्रसार करना है और उनको धन देना है, ये सब धंधा चल रहा है। ये गुरु दीक्षा गुरु सहित नरक में ले जाने वाली है, वो चेला जी जाएंगे, गुरु जी तो जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि महाराज आप हमको दीक्षा दे दे, खास रूप से बहने कहती हैं, माता बहने कहती हैं कि भाई आप हमको दीक्षा लेनी है। अरे भाई हम नहीं देते हैं, माताओं का तो गुरु केवल पति ही है, अभी तक हमने किसी को दीक्षा ही नहीं दी, भाई दीक्षा होती नहीं, क्या है दीक्षा, तो लोग ये मानने को तैयार नहीं। अरे भाई आपकी दृष्टि से तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं, कहीं कथा करने के प्रवचन करने के लिए गया या कहीं जो है संपर्क हुआ किसी भी प्रोग्राम में, तो अगर हम दीक्षा देते हैं, माना कि 50 महिलाओं को दीक्षा दे दी, तो लोग 50,000 तो निश्चित ही हो गए, पर हमें नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि जिंदगी हम नुकसान कर रहे हैं, और हर साल का हर महीने आएंगे, हर साल जो लोग आएंगे, अरे गुरुजी को ये देना वो देना, फिर उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होना है तो उन्हीं को बुलाना है। तो मैंने कहा ये मैं नहीं करता हूँ, ये अशास्त्रीय परंपरा है, ये कोई गुरु परंपरा नहीं है, तो इससे बचें। लोगों का ये लोग ये भी प्रचार करते हैं, जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कोई दान पुण्य नहीं लगेगा, आपके किए हुए कोई भी सत्कर्म फलीभूत नहीं होंगे। अरे भाई ये बात नहीं है, ये किसकी बात, किसी की टांग और किसी का जो है हाथ किसी में जोड़ रहे हैं, ये बात थोड़ी है शास्त्रों में जो लिखी हुई है। शास्त्रों में लिखी हुई है जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना उपनयन नहीं करा लेते, सावित्री दीक्षा नहीं ले लेते, चाहे कुछ भी कहे, उपनयन माने यज्ञोपवीत, अपनी वेद की शाखा के अनुसार विधिवत जब तक उपनयन संस्कार नहीं हो जाता, तब तक लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को कोई भी वैदिक अनुष्ठान करने का, सत्कर्म करने का अधिकार नहीं है। अनुपनीत कहते हैं तब तक, तो वो उसको कोई भी विशेष यज्ञ इत्यादि का करने का अधिकार नहीं, अगर वो करता है तो उसका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले तो विधिवत उपनयन कराए, फिर संध्या वंदन गायत्री सावित्री की उपासना करें,
संध्या उपासना करे और उसके बाद उसको सभी कर्मों के करने का अधिकार है। वो चाहे भगवान विष्णु का मंत्र जप करे, क्योंकि उसके भगवान विष्णु में श्रद्धा है तो उनका जप करे, श्री राम भद्र के मंत्र का जप करे यदि उनमें श्रद्धा है, भगवान शिव का पूजन करे उनके मंत्र का जप करे। जिसकी सावित्री मंत्र से दीक्षा हो गई यानी उपनयन हो गया, वेदों में अधिकार हो गया, वेदारंभ हो गया, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो द्विज समस्त वैदिक कर्मों के करने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया। अब कोई तांत्रिकी विशेष किसी मंत्र की जो उपासना करनी है, 10 महाविद्याओं की उपासना करनी है, कोई विशेष उपासना करनी है, तब उसके लिए कोई विशेष दीक्षा लेने का विधान है। अन्यथा पंचदेवों की उपासना करनी है, जैसे शिव, गणपति, दुर्गा, विष्णु, शिव है ना, सूर्य या राम जी या उनके ही अवतार भगवान विष्णु के ही, राम कृष्ण आदि जो भी हैं, इनकी किसी की भी उपासना करनी है, हनुमान जी की उपासना करनी है, तो किसी भी प्रकार की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि उपनयन हो गया है, वेद आरंभ हो गया है, वो गायत्री जप करता है तो उसको समस्त वैदिक कर्मों का अधिकार है। ये सर्वमान्य सिद्धांत शास्त्र सिद्धांत है, कोई एक देशीय बात नहीं है, ये सर्वमान्य। तो भाई अब आप पूछ रहे थे कि ये ही दीक्षा इसी का समय होता है, इसका समय क्या है? सामान्य रूप से ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष के बालक से लेकर के 16 वर्ष तक, और क्षत्रियों के 22 बालकों के लिए 11 से 22 वर्ष तक, वैश्यों के 12 से लेकर के 24 वर्ष तक की अवधि है। इस अवधि में जो है उपनयन कराएं, गायत्री मंत्र देवें, सावित्री मंत्र की दीक्षा देवें और ये जपें। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारे पारस्कर गृह सूत्र का है, यही सिद्धांत जो है मनु आदि स्मृतियों का है। देखिएगा, इसमें भी ये 8वां वर्ष बतलाया, 11वां बतलाया, 12वां बतलाया, तो इसमें जन्म से ले सकते हैं या गर्भ से ले सकते हैं। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः, ये कह रहे हैं। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मणों का उपनयन होना चाहिए और गर्भात् एकादशे राज्ञः, राज्ञ माने क्षत्रियों का, गर्भ से 11वें वर्ष में या जन्म से भी, दोनों ही विकल्प हैं। और गर्भात तो द्वादशे विषः, विषः माने वैश्यः, वैश्यों के गर्भ से 12वें वर्ष से लेकर के और उतने ही उतने वर्ष तक, 8 से हुआ है तो 8 और मिला दीजिए 16 तक उसकी अवधि काल है ब्राह्मणों का, और 11 वर्ष से क्षत्रियों का उपनयन प्रारंभ होता है तो 11 से लेकर के 22 तक उनका दूना कर दीजिएगा, उनका अंतिम काल है उसके बाद। और वैश्यों का जो है 12 से लेकर के तो 24 तक उनकी अवधि काल है। इतने समय तक भी अगर ये उपनयन नहीं कराते हैं तो व्रात्य हो जाते हैं, तो फिर उनको व्रात्य दोष लगता है और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, तब उपनयन होता है। ये एक उपनयन की विधि है, अवधि भी बताई गई है। आ 16 वर्षात ब्राह्मणस्या नतीतः कालो भवती, और आ द्वाविंशात राजन्यस्य, आ चतुर्विंशात वैश्यस्य, ये पार्श्वगृह सूत्र के सूत्र हैं। इतने तक वो जो है उपनयन करा लेवे, अन्यथा वे व्रात्य हो जाते हैं, पतित सावित्री हो जाते हैं। सावित्री पतिता व्रात्या भवती और वे गर्हित कहे जाते हैं, इसलिए इससे पहले ही उन्हें उपनयन करा लेना चाहिए। तो उपनयन ही जो है उनका, उनकी दीक्षा है, यही मंत्र दीक्षा है, और इसी को कोई नहीं बतला रहा है और ना कोई कर रहा है। अगर किसी को कोई बतलाव है तो वो करते भी नहीं है, मानते नहीं इस बात को, उनको वही बात समझ में आती है कि इन धूर्तों के द्वारा चलाए गए प्रकल्प की बात, और वो उसी में फंस जाते हैं और उसी को करते हैं। हम इस बात को कई बार कह चुके, हमने अपने पूज्य गुरुदेव से कहा,
इस बात को कि आपका ये सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है, हमने इसको खूब कहा है, लगभग 50 मंचों से इस बात को कहा है, जहां भी हम जाते हैं संस्कार की बात, उपनयन की बात, इस बात को जरूर कहते हैं, और ये जो चल रहा है प्रकल्प, ये दीक्षा का, ये ठगई का, इसका खंडन अवश्य करते हैं, अशास्त्रीय कृत्यों का खंडन करते हैं, ऐसे कई चीज हैं, ये तो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, तो इसको हर जगह कहना है, कथा हो, प्रवचन हो, कोई बात हो, तो मुख्य बात, क्योंकि ये धर्मशास्त्रीय बातें ही लोगों को कल्याण करने वाली हैं, और जो भी निषिद्धाचरण है उनको हटाएं और विधि का पालन करें। तो मैंने कहा गुरुजी इस बात को कोई मानता नहीं है, और सुनते भी है तो उतने ढंग से नहीं सुनते हैं। बोले कि आपकी बात अलग है, अपना काम है कहने का, सही बात कहिएगा, मार्गदर्शन कराइए, जो लोग माने आचरण करें न करें वो उनके ऊपर है। देखिए तुम्हारी बात तो और बात है, व्यास जी चिल्ला चिल्ला करके चले गए, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। व्यास जी कहते हैं कि ऊर्ध्व बाहुर विरौम्येषा न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम् न सेव्यते। व्यास जी महाराज, गुरुदेव ने कहा कि देखो व्यास जी, ऊर्ध्व बाहु दोनों भुजाएं उठा करके और चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, और व्यास जी कहते ऊर्ध्व बाहुर विरौम्येषा न च कश्चित् शृणोति मे, कोई मेरी बात को ही नहीं सुन रहा। भाई क्या कहना चाहते हैं व्यास जी, कि धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम् न सेव्यते। जो उस धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, तो वो धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसकी सेवा क्यों नहीं करते हो? जिस काम के पीछे पड़ा हुआ है जो है समाज, अर्थ के पीछे, पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, ये कहां से आएगा? वो धर्म से आएगा, तो धर्म क्यों नहीं करते हो? वो धर्म कोई नहीं कर रहा। व्यास जी कहते हैं अरे भैया धर्म करो, धर्म आचरण करो, धर्म आचरण करो, काम और अर्थ अपने आप मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सुनता ही नहीं। तो लोग सही बात को बहुत कम सुनते हैं, लेकिन ठीक है, जो मानेंगे करेंगे उनका कल्याण होगा, और इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे उनका सर्वनाश होगा। अब आपको विचार करना है क्या करना क्या नहीं करना। हर